गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि हम कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज जो पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके जितने एनटीएससी ओलंपियाड इनके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो हमने करंट के बारे बात किया, चार्ज और करंट के बारे। दूसरे पार्ट में आज जो डिस्कस करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, कि इस किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बोला बोर्ड एग्जाम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही है बस पढ़ना, बस आगे हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। फिर इसका अगला पार्ट होगा जो आपका वो ओम्स लॉ है, दैट इज हम वहाँ उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे पढ़ेंगे, है ना, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए आज आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए फिगर मैंने ला के रखा है आपके लिए कि ये वाला फिगर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है एक्चुअल में। देखिए एक बार फिगर को, ठीक है। सिंपल में आगे मैं डिफाइन करूंगा पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही समझिए कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल बोलूं तो क्या होता है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को, वैसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज को, किसी टेस्ट मतलब बोलूं मैं चार्ज पार्टिकल को स्लोली स्लोली इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने पे जो वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब मैंने क्या बोला, किसी यूनिट मैंने मान लिया कि 1 कूलम चार्ज है, और 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली स्लोली लाना है, एक्सेलरेट नहीं करना है इसको। अगर आप एक्सेलरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको पता है जिसके कारण पढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे समझिए कि अगर चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो चार्ज एक्सेलरेट हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जो बोलते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब उसके चारों तरफ चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या होगा, रेडिली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इस चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज को लाओगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझते चलिए आराम आराम से, इस चार्ज को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, हम एक्सटर्नल एजेंट हैं, तो हम धीरे 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 करके फोर्स लगा के उस चार्ज को यहाँ तक लाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तुम क्या बोलोगे, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर चार्ज मोशन में है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो करेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम। अगर वो चार्ज एक्सेलरेट हो गया मतलब उसकी क्या बोलेंगे हम, जी सर, अगर वो एक्सेलरेट होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि फिर वहां पर वो चार्ज जो है उसके मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होता है, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझिए कि किसी चार्ज को बिना एक्सेलरेट किए स्लोली स्लोली किसी चार्ज पार्टिकल को हम अगर लाएंगे तो किसी पॉइंट पे, और जो वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने में, दैट इज ए पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या फिर बोलो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चार्ज पार्टिकल को, मैंने बताया क्यों वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, रेडिली आउटवर्ड होंगे। कैसे होंगे, अगर बात करें हम तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, है ना, इस चार्ज के कारण, है ना, रेडियली आउटवर्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इस चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, वो आने से रिपेल करेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसको ला रहे तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। बात समझ में आया, इसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। इसी तरीके से यहाँ से बोलें कि किसी चार्ज को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, यहाँ पे लाएं, फिर दूसरे चार्ज को फिर इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएं, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों चार्ज को, पहले एक को लाया मैंने इन्फिनिटी से यहाँ पे, दूसरे चार्ज को यहाँ से लाया, तो जो वर्क डन करना पड़ा कुछ तो इनके बीच में, बोलेंगे मान लो यहाँ से लाने में W वर्क डन करना पड़ा, इसको W2 वर्क डन करना पड़ा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इनके बीच का कुछ तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा,
समझ में आ रहा है मेरी बात? और यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, मान लो इसका 50 वोल्ट है, इसका 25 वोल्ट है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो 50 माइनस 25, दैट इज ए 25 वोल्ट हो गया। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज को आपको करा रहा हूँ कि क्या होगा एक्चुअल में। तो एक चार्ज को तुम इन्फिनिटी से लाओगे, यहाँ पे रखा आपने, दूसरे चार्ज को फिर इन्फिनिटी से लाओगे, यहाँ रखा आपने, तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा ना आपको। तो वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम बोलेंगे सर इसका पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल मान लो 25 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा दैट इज पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा। अभी मैंने एक थ्रू आउट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है बस कि क्या होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और ये क्या है आपका? तो ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों में फर्क समझिए, ठीक है? तो इस चार्ज को यहां से लाएं तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, मतलब इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा। इस चार्ज को फिर दूसरे चार्ज को लाएं तो यहां पर इसका कुछ आपका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा यहां पे कुछ, इनफैक्ट बोलेंगे पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट। और इनके बीच का डिफरेंस जो होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आया मेरी बात? तो अब आइए इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप, है ना, इसी तरीके से फिगर बनाइए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, आते हैं बच्चों इसका आगे हम चलते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी को बार बार हम डिफाइन करें, अब बार बार इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे हम। क्या बोलेंगे कि मान लो आपके दो पॉइंट्स हैं, एक मान लो ये पॉइंट है ए, है ना, और दूसरा पॉइंट है आपका बच्चों, दूसरा पॉइंट है कुछ आपका मान लो ये वाला पॉइंट है आपका बी पॉइंट है, ठीक है, दिस इज बी पॉइंट। तो किसी चार्ज पार्टिकल को हम अगर मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहे हैं, मान लो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वन कूलम चार्ज को। तो मान लो वन कूलम चार्ज को हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं बच्चों? आराम आराम से समझिए कि वन कूलम चार्ज को हम पॉइंट ए से कहां लेके जा रहे हैं, पॉइंट बी लेके जा रहे हैं, ए से बी लेके जा रहे हैं। और इस पीरियड में आपको मान लो वर्क डन करना पड़ रहा है डब्ल्यू, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डेल्टा भी, मतलब हम लिखेंगे डेल्टा भी जो होगा वो क्या होगा बच्चों? तो W बाई में चार्ज, दैट इज द चार्ज, और चार्ज कितना है? वन कूलम है। कितना है? वन कूलम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो किसी भी तरीके से अगर डिफाइन करना है सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को मान लो वन कूलम चार्ज को ए से बी ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, और उस वर्क डन को अगर आप चार्ज से पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही लिखा हुआ है बस कि क्या करो आप, वर्क को वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। होता कैसे है? तो आपको मैंने बताया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है और आप यहाँ से मान लो कुछ लेके जा रहे हो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मान लो ये आपका है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है, तो चार्ज का फ्लो हायर टू लोअर हो जाएगा। अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से चार्ज को ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि इसी तरीके से अगर हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो मान लो दो पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, दो पॉइंट ले लिया, सिंपल सी बात है, अच्छा आराम से समझिए आप। तो सर मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट कुछ क्यू है, तो मान लो हम प्लस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, प्लस कितने, प्लस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के बीच में, और इस पीरियड में मान लो हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है डब्ल्यू, तो आप बोलोगे सर कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो दैट इज होगा डब्ल्यू बाई क्यू होगा। क्या होगा? डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब वर्क डन जितना किया अपॉन में चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना है तो लिखोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपके क्लास के 10th के लिए डिफाइन करना बहुत इनफ है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों, आराम आराम से करते हैं हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिनोट कैसे किया जाता है? डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन, है ना,
और अपॉन में क्या लिखते हैं हम, चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, इसी को लिख देते हैं डेल्टा भी लिखा हुआ रहता है वर्क डन, ठीक है। कैसे, कहां से कहां लेके जा रहे हैं चार्ज को, मान लो पी से क्यू लेके जा रहे हैं, तो यहां लिखा रहता है पी टू देखिएगा क्यू अपॉन में क्या रहता है बच्चों आपका क्यू, करेंगे क्या करेंगे हम वर्क डन, मतलब क्या बोलेंगे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है। तो मान लो क्यू चार्ज को पी से क्यू लेके जा रहे हैं और डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, तो बोलोगे सर क्या होगा आपका, तो बोलोगे डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, जितना वर्क डन करना पड़ा पी से क्यू ले जाने के चार्ज अपॉन में चार्ज से डिवाइड करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं दोनों पॉइंट के बीच का। कुछ नहीं करना है, वर्क डन दिया रहेगा चार्ज से डिवाइड कर देना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, अभी करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। इसी को अगर और ज्यादा डिटेल में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं हायर, मतलब हम कहां ले जा रहे हैं क्यू, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो आप बोलोगे सर हम क्या लिखेंगे, इसी को वी क्यू माइनस में वी पी इक्वल टू होगा वर्क डन कहां से कहां, पी से क्यू ले जाने में अपॉन में क्या लिखोगे चार्ज, दिस इज व्हाट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या होगा दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ में आया मेरी बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लो द चार्ज, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज का मतलब बोलेंगे फ्लो ही नहीं होगा। जैसे बैटरी की बात करें तो बैटरी में आप बोलते हो ना, अगर करंट को डिफाइन करना क्या बोलते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ओवर ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। किसी क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज द क्या बोलेंगे उसको, करंट बोलेंगे। अब ये करंट फ्लो क्यों करेगा बच्चों हमेशा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में है तभी करंट फ्लो करेगा, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये 50 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट पे, तभी वो करंट फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और आपको पता है कि करंट का फ्लो क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है सर, तो आप जो सेल लगाते हो, अगर एक से ज्यादा सेल लगा दिए तो बैटरी, दैट बैटरी व्हाट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल, है ना, एंड इट इज इनफ, मतलब यही हमारे लिए सफिशियंट होता है टू फ्लो द ऑफ द व्हाट चार्ज के फ्लो, मतलब करंट का फ्लो के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करंट के लिए, दैट इज हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखना हो तो वी क्यू माइनस वी पी अपॉन यहाँ। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोलेगा, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, कॉपी कीजिए इसको। अब आते हैं हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, देखिए द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इफ द 1500 जूल ऑफ वर्क इज डन कैरी अ चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मतलब एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ले जाने के लिए, ए से बी के बीच में ले जाने के लिए, अब देखिए बच्चों कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन है 1500 जूल है, कितना है 1500 जूल, ठीक है 1500 जूल, और कितना चार्ज को लेके जा रहे हो, तो बोलोगे सर चार्ज हम लेके जा रहे हैं दैट इज ए प्लस 15 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, कितना 15 कूलम चार्ज। तो डेल्टा भी कितना होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यही पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मैंने बोला कि ए से बी के लेके जा रहे हो तो वर्क डन जितना करना पड़े और उसको डिवाइड कर दो किस से, तो चार्ज से डिवाइड कर दो, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो ए से बी ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना, 1500 जूल, चार्ज कितना है 15 कूलम, डिवाइड कर दो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1500 अपॉन में कितना करोगे बच्चों 50, एंड दिस इज व्हाट जूल ऊपर आएगा और सेकेंड। तो एक और है कि यूनिट लिख लीजिएगा, चलिए मैं बता देता हूं, मैं जूल पर कूलम, ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो ये 30 कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया, कितना आ गया बच्चों आपका 30 वोल्ट आ गया। तो याद रखिएगा कि जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है। तो अगर मैं शुरू में चले जाऊं यहां पर जरा देखिए, तो अगर मैं एसआई यूनिट बोलूं तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो एसआई यूनिट हो जाता है आपका सर यहां से ही आ जाएगा। देखो वर्क डन क्या लिखोगे, जूल लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, सेकंड, क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड, दैट इज क्या बोलेंगे हम उसको,
क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी को उस साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट। क्या बोला जाता है बच्चों, वोल्ट, जूल पर सेकंड को ही बोला जाता है वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। उसी को क्या बोला जाता है, जूल पर, सॉरी कूलम में यहां लिखने मैंने सेकंड लिख दिया, जूल पर, जूल पर कूलम। ये क्या है आपका, जूल है, और ये क्या है, कूलम है, ठीक है, जूल पर कूलम। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट कॉल्ड वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, वोल्ट बोलते हैं, सॉरी वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है एसआई यूनिट, क्या आ जाता है बच्चों, तो बोलोगे सर इसका एसआई यूनिट आ जाता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है। तो आप यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका, डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, क्या बोलोगे, तो 30 वोल्ट हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको हम, दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। अब एक आता है कि अगर 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना है, मान लो अगर बोल दे एग्जामिनर कि 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए, 1 वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। मान लो एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, मान लो 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, और आप कितना चार्ज को लेके जा रहे हो, 1 कूलम चार्ज को, मतलब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी ले जाने में मान लो 1 जूल का एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, मतलब 1 जूल वर्क डन कर रहे हो, तो बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन। मान लो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और ये मान लो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी। तो अगर मैं पॉइंट ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन, मान लो कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, प्लस 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज लेके जा रहे हैं बच्चों, 1 कूलम चार्ज को, और इस पीरियड में ले जाने में हमें ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, मान लो 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे आप, लिखोगे सर 1 वोल्ट, और वो वोल्ट कैसे आएगा देखिए, 1 जूल और ये क्या आएगा, 1 कूलम, दिस इज व्हाट जूलाम, जूल पर क्या बोलेंगे उसको, कूलम, और इसी को बोला जाता है वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे कि अगर 1 कूलम चार्ज को ए से बी ले जाने में हमें वर्क डन 1 जूल करना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट का है। तो इसी को डिफाइन करना है तो लिख लोगे कि वर्क डन इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट ए टू बी, इफ द वर्क डन इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 वोल्ट। क्या लिखोगे, 1 वोल्ट। तो यहां पे अगर डिफाइन करना है तो लिखेंगे क्या, इफ द वर्क डन, इफ द वर्क डन इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, आराम आराम से लिखते चलिए इसको, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, 1 पॉइंट टू अनदर, एंड इफ द वर्क डन इज टेकिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए 1 पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल, है ना, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, then the potential, electric potential जिसको बोलते हैं, potential difference between A and, मतलब जो A और B point है वही जो बोला 1 point से another point is 1 volt, कितना होगा बच्चों, 1 volt का potential difference होगा। तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब आते हैं इफ क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, इफ 5000 जूल ऑफ वर्क वुड बी डन टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, मतलब आपको बोला है ना कि 5000 जूल ऑफ वर्क वुड बी डन टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स है, है ना, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप अपनी मर्जी से, दो पॉइंट ले लिया मैंने मान लो, ठीक है,
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको चार्ज कितना चार्ज लेके जाना है, सॉरी वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 1500 जूल, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, ये मान लो पी है और ये क्यू है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, तो बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन को समझिए, मैंने डिकोड कर दिया, तो आपको पूछा है कि कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से रीड कीजिए, द 5000 जूल ऑफ 1500 लिख दिया मैंने, ये 5000 है, इसको मैं 1500 मान के कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, 5000 जूल है ना, क्यू पूछा है आपको, और डेल्टा भी कितना है, तो बोलोगे सर डेल्टा भी जो है आपका वो 100 वोल्ट है, है ना, डेटा सफिशिएंट है। बोलता है 5000 जूल ऑफ वर्क वुड बी डन टू कैरी हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज को लेके जाए बिटवीन ए दो पॉइंट के बीच में, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, और किसी चार्ज को लेके जाने में, मान लो क्यू चार्ज को लेके जाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, पी से क्यू ले जाने में, पी से क्यू ले जाने में मान लो उसको वर्क डन 5000 जूल करना पड़ रहा है, तो चार्ज कितना होगा, उसी का अनदर पैटर्न क्वेश्चन का, चलिए करते हैं इसको। तो हमने डेल्टा भी पढ़ा है, क्या होता है डेल्टा भी होता है वर्क डन कहां से कहां ले जाने में, पी से क्यू अपॉन में कितना, बोलोगे सर अपॉन में चार्ज, तो चार्ज निकालना है तो वर्क डन लिखोगे वही पी टू क्यू जो भी है आपका, और नीचे पे क्या लिखोगे डेल्टा भी, तो वर्क डन कितना है बच्चों, आप देखिए 5000 है सर, कितना है ये 5000 जूल है ना, और नीचे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से देखोगे कि सर 100 कैंसल, तो ये बोलोगे 50 कूलम चार्ज, आंसर कितना हो जाएगा 50 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ए से बी ले जा कितना, पी से कितना, पी से क्यू कितना चार्ज को लेके गए हम, तो 50 कूलम चार्ज को लेके गए, दिस इज द क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन इनफैक्ट हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके करते जाइए और समझते जाइए बात को। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट है आपका, देखिए बोलता है कि पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट बी एट ए पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन। मतलब कि आपको बोला है ना कि एक पॉइंट ये है, मान लो ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट है, दूसरा कुछ पॉइंट यहां पर मान लो बच्चों बी पॉइंट है, तो आपको बोला है पार्टिकल विद चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, मतलब यहां से तुम किसी चार्ज को यहां लेके जा रहे हो, और वो चार्ज कितना है पता है तुम्हें, बहुत कम 1.5 कूलम है, कितना है 1.5 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हो, पॉइंट ए टू पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, मतलब ए का 50 वोल्ट पोटेंशियल है, और अनदर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, ओहो बहुत हायर पोटेंशियल पे है, कैलकुलेट द वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें। अब ये पूछा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो आप याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, तो बोलोगे यही ना पूछा है यार कि 50 वोल्ट से 120 वोल्ट पे किसी क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, मतलब ए से बी लेके जा रहे हैं, ए का पोटेंशियल पता है, बी का पोटेंशियल पता है, और चार्ज लेके जा रहे हैं कितना वो पता है, तो आपको पूछा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यार हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बोलोगे सर कि किसी क्यू चार्ज को लेके जाने से ए से बी ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, यही पढ़ा है हमने। तो यहां से निकालेंगे अगर डेल्टा वी कितना आएगा, तो बोलोगे सर डेल्टा वी हमारा, डेल्टा वी क्या आएगा आपका, तो बोलोगे सर वर्क डन अपॉन में चार्ज आएगा, यही पढ़ा है। और चार्ज कहां से वर्क डन ले जा रहे हो, ए से बी ले जा रहे हो, कहां से ले जा रहे हो, ए टू बी लेके जा रहे हो। अब ये डेल्टा वी क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा वी निकालो जरा, तो आप बोलोगे सर 120 फाइनल माइनस इनिशियल कितना करोगे, तो बोलोगे सर दिस इज व्हाट 50 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 170 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये 170 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यही आ गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 120 माइनस 50, तो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 वोल्ट आ जाएगा, रख दो फॉर्मूले में, ये 170 है
और ये कितना है वर्क हमें निकालना है बच्चों, और Q कितना है जरा बताओ मुझे, 1.5 कूलम ही बोला है ना, ठीक है। W इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप सब सिंपल सा बात बोलोगे सर 170 इंटू में 1.5 मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, ये डेसिमल तो खत्म, तो 17 इंटू में 15 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 15 50 जा कितना होता है 225, और उसमें 30 ऐड कर दो 235 मतलब कितना आ जाएगा 255। तो ये इतना जूल करना पड़ेगा वर्क, 255 जूल वर्क, नहीं तो साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 17 15 है ना, 5 10 15 और 10 हमारा कितना आ जाएगा 255 सही तो है, अरे 15 और 10 25 255 जूल सही है, समझ में आ गया क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो। तो वेरिएशन मैंने जो तीन पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जनरली वो तीनों वेरिएशन मैंने कर लिया, और आप और भी क्वेश्चंस है तो उसको और डिस्कस करेंगे बाद में एनटीएससी वाले और ओलंपियाड वाले में, ठीक है। ये दोनों के लिए है कॉमन वीडियो, मतलब जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और नॉर्मल टेंथ का देंगे उनके लिए भी है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखिएगा अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यहाँ पे ऐड कर दीजिए एट ए पॉइंट, है ना, जो मैंने शुरू में डिफाइन किया था उसी को अब हम वन बाय वन करके यहाँ समझ रहे हैं कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, किसी पॉइंट का, है ना। तो सबसे पहले आप इन्फिनिटी पे जाइए, है ना, मान लो ये इन्फिनिटी है, याद करो स्टार्टिंग का डायग्राम, ये मान लो आपका इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से मान लो यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है ना, तो इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है, समझ में आ रहा मेरी बात, कोई यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, मान लो चार्ज रखा हुआ है, तो अगर आप अब चार्ज रखा हुआ है बच्चों, तो मैंने बताया था कि चार्ज के चारों तरफ क्या होंगे, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंपल सी बात है। यहां से इन्फिनिटी से मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर वन कूलम चार्ज, ठीक है, मान लो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किस इसी पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करूं मैं, कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, मान लो आपका ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बोलोगे दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उसका पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है। तो मान लो हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं, मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस इन्फिनिटी से मान लो किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, वन कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर इन्फिनिटी से वन कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज अ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये मान लो आपका बी पॉइंट है, क्या है, मान लो बी पॉइंट है इन्फिनिटी को, मैंने बी मान लिया, समझिए डेरिवेशन करना है हमें, इसको ए माना, इसको बी मान लिया, तो बी से चार्ज को हम वन कूलम चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, ए पे ला रहे हैं। इसी को अदर तरीके से डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो इन्फिनिटी से क्यू, अब यहाँ पे वन कूलम चार्ज को किससे रिप्लेस कर दो, क्यू चार्ज से, तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने पे, मतलब क्यू कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, सिंपल सा लैंग्वेज बोलेंगे, सिंपल वर्ड में बोलेंगे इसको हम, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप लिखोगे सर डेल्टा वी, अभी हमने पढ़ा है डेल्टा वी क्या होता है, तो सर वर्क डन अपॉन में क्या होता है चार्ज, पर यूनिट चार्ज, डेल्टा वी क्या होगा, तो बोलोगे सर फाइनल पोटेंशियल माइनस में, तो फाइनल कहाँ ला रहे हो, चार्ज को यहाँ पे ला रहे हो, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा कन्वेंशन है कि जो पोटेंशियल इन्फिनिटी का होता है, कन्वेंशन इन फिजिक्स है, बोलेंगे कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो होता है बच्चों जीरो, और इन्फिनिटी कहाँ पे है, मतलब बी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा फिजिक्स में, इट इज कन्वेंशन, द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो बोलेंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वो कितना होता है बच्चों, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज
जीरो, ठीक है, पोटेंशियल इन्फिनिटी का हम मानते हैं जीरो मानते हैं। तो यहां से यहां ले क्या हो गए, तो दिस क्वांटिटी बिकम व्हाट, जीरो। तो v ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाता है, तो बोलो कि सर w बाई क्यू। अरे यही तो समझाना चाह रहा था मैं, यहां पे मैंने बोला मान लो प्लस क्यू चार्ज ना लाके हम क्या लाते हैं, हम मान लो प्लस क्यू चार्ज ना लाके क्या लाते हैं इसको। देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले आऊं, वन कूलम ना लाके मान लो प्लस क्यू लेके आ रहे हैं चार्ज हम, ठीक है, अब मिट गया। देख लो मान लो हम क्या कर रहे हैं, क्यू कूलम चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, है ना। तो इन्फिनिटी से अगर हम क्यू कूलम चार्ज को ला रहे हैं, या तो बोलोगे कि हम सर अगर मैं मान लो, मैंने तो बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिए, मान लो प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज बोलेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब चार्ज को तुम कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, ऐसा नहीं कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। मैंने बोला कि इन्फिनिटी से जो चार्ज को लाने में, किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन कर रहा है, करना पड़ रहा है, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, सिंपल से लैंग्वेज में। तो ये क्या होता है आपका, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो वर्क डन अपॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सिंपल। वहां पर क्या करते थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे। यहां पे पोटेंशियल क्यों आया आपका, बात समझ में आ रहा है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पॉइंट की स्पेसिफिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो कितना होगा, तो w बाई क्यू होगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे भाई तो पोटेंशियल डिफरेंस ही था, मगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या लिया मैंने, जीरो ले लिया। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने पे, किसी पॉइंट पे लाने पे, मतलब इन्फिनिटी से मान लो क्यू कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आया मेरी बात, चलिए अब आप आई होप समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। तो क्या होता है W बाई क्यू, कहाँ से लाते हैं चार्ज को हम, तो बोलोगे सर V ऑफ A क्या होगा, तो वर्क डन कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी टू पॉइंट, कहाँ पर, किसी पॉइंट A तक ला रहे हो, और जो वर्क डन करना पड़ रहा है अपॉन में क्या कर दो, चार्ज से डिवाइड कर दो, दिस इज द पोटेंशियल हो गया किसी पॉइंट का, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिएगा यहाँ पे अब क्वेश्चन दे रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कूलम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट पी एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। अब ऐसे क्वेश्चन बोला है आपको, देखिए आपका मान लो ये इन्फिनिटी है भाई मेरे, दिस इज इन्फिनिटी, है ना, आराम आराम से समझिए इन्फिनिटी, और जिस पॉइंट पे ला रहे हो ना उस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है कितना, पोटेंशियल इज 12 वोल्ट, मतलब इस ए पॉइंट का वी ऑफ ए कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 12 वोल्ट दे रखा है। तो डायरेक्टली आपको पूछा है कि कितने चार्ज को लेके आ रहे हो, तो बोलोगे 5 माइक्रो कूलम लेके आ रहे हो, 5 माइक्रो कूलम मतलब एक कूलम, एक 1 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 1×10⁻⁶ कूलम ये होता है ना, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो यहां रखोगे तो 10⁻⁶ कूलम होगा बच्चों आपका, बात समझ में आ रहा है। तो Q की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5×10⁻⁶ कूलम, मतलब इन्फिनिटी से इतने चार्ज को लाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इफ द पोटेंशियल इज दैट पॉइंट इज 12 वोल्ट, मतलब A का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है ना V ऑफ A, तो आपको क्या लिखोगे, तो सर बोलोगे W क्या, कहां से कहां लाने में, इन्फिनिटी से उसको चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अपॉन में चार्ज से डिवाइड कर देंगे पर यूनिट चार्ज, तो अपॉन में क्यू कर दोगे। कहां से ला रहे हो चार्ज को, तो इन्फिनिटी से कहां ला रहे हो, ए पॉइंट, है ना, तो कितना वर्क डन होगा, तो वी ऑफ ए जो है वो आपका दे रखा है 12 वोल्ट, और ये W निकालना है बच्चों, चार्ज कितना है, तो चार्ज बोलोगे सर 1×10⁻⁶ है, कितना है चार्ज, कितना है, इतना है, मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट वोल्ट है ये, 12×10⁻⁶, ये वोल्ट और ये कूलम, वोल्ट कूलम क्या बन जाता है, तो बोलोगे सर वोल्ट कूलम हमारा नथिंग बट हमारा जूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जूल, तो इतना हो जाएगा, बहुत स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, 10⁻⁶ जूल इतना एनर्जी करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या लिखोगे, अरे डेल्टा भी लिखोगे, डेल्टा भी इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क डन अपॉन में चार्ज, डेल्टा भी मतलब v ऑफ a माइनस v ऑफ इन्फिनिटी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल,
दैट इज़ अ डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ पे रख दो आप डब्ल्यू की वैल्यू, ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। देखो जरा वही बात आ गया, वी ऑफ ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है यूज दिस फॉर्मूला, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये सिंपल सा याद रखना है आपको, समझ में आया मेरी बात, दिस इज द, तो वर्क डन दिया रहेगा, चार्ज दिया हुआ रहेगा, डिवाइड कर दो पोटेंशियल उस पॉइंट का मिल जाएगा। बहुत सारे वेरिएशन के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूछा था, ये पूछा था कि ए पॉइंट का, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं अपनी तरफ से, देखिए एक क्वेश्चन और दे दूं, मान लो कि ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी से मान लो ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है ना, यहाँ तक चार्ज को लाने में मान लो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 50 जूल चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, और ये आपका चार्ज कितना ला रहे हो, मान लो प्लस 2 कूलम चार्ज को ला रहे हो। तो मैं पूछूंगा आपको कि आप बताइए मुझे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये आपका इन्फिनिटी है, कहाँ है बच्चों, ये इन्फिनिटी है, तो आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो सेम डेफिनेशन, वी ए इक्वल टू क्या करोगे, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू करोगे, तो डब्ल्यू कितना है, तो वी ऑफ ए डब्ल्यू कितना है, 50 अपॉन में 2 कूलम, कितना करना होगा पोटेंशियल, तो बोलोगे डिवाइड करोगे 25 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 25 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो ये आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्क डन दे दिया हो, चार्ज दे रखा हो और इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछे। पिछले वाले पार्ट में आपको क्या पूछा था, पिछले वाले पॉइंट में पूछा था आपको कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यही पूछा था ना क्वेश्चन में। अब एक और है, इसको और समझिए, एक तरीके से और समझिए, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, बस हो गया कंप्लीट। देखिए मान लो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ दे रखा है, मान लो 50 वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट, ठीक है, और हमें पूछा है कि मान लो q इक्वल टू माइनस 2 कूलम चार्ज को हम ला रहे हैं, ये क्या है बच्चों आपका इन्फिनिटी है, आराम आराम से करते हैं, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है, ध्यान दीजिएगा, आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को माइनस 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए पे ला रहे हो और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट है, तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, हाउ मच द वर्क डन इज डन, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। फिर से रिपीट करूं मैं, समझिए, किसी चार्ज को मान लो माइनस 2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाना पड़े, तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ला रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप देखिए क्या करोगे, सेम वी ऑफ ए इक्वल टू क्या करोगे, डब्ल्यू बाई क्यू करोगे, सिंपल से बात है, तो यहां से डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ऑफ ए इंटू में क्यू करोगे। बच्चों सर वी ऑफ ए है कितना, तो वी ऑफ ए है 50 वोल्ट है इंटू में क्यू की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 2 कूलम है ना, बात है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 100 जूल। ये बात मैं समझाना चाह रहा था आपको, कि कुछ मैं बताना चाह रहा था इससे, कि वर्क यहाँ नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ होता है, तो बोलोगे लोअर टू हायर पोटेंशियल, यार ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को, अपने मतलब नेगेटिव चार्ज अपने आप मूव कर जाएगा, इस केस में आपको मूव कराने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सलरेट नहीं होने देना है, मतलब इसको पकड़ के रखना है, सो दे वो चार्ज हल्का स्लोली 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 क्या करे, अपने आप आ जाए, मतलब इस वाले केस में जब पोटेंशियल लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, अपने आप मूव करेगा वो, आपको वर्क डन नहीं करना है, वो अपने आप मूव करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट नेगेटिव आया, अपने आप, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा ये अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा इधर पॉजिटिव, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप अल्टीमेटली यहां तक क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, दिस इज हायर पोटेंशियल। समझ में आया मेरी बात, तो उस लिए वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बच्चों, समझ में आया, चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए। और ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे आपके बन जाएंगे, आप श्योर हो जाओ, समझ में आया मेरी बात, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगले पार्ट में हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है।